हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लीडर क्या होता है और फॉलोअर क्या होता है। ये लीडर और फॉलोअर आप देख रहे हो किससे रिलेटेड में, ये चैन सर्वे से। ठीक है, जब हम चैन सर्वे करते हैं ना, चैन सर्वे करते हैं तो चैन सर्वे करने के लिए हमें मिनिमम दो लोगों की ज़रूरत होती है। पहला लोग दो लोगों की ज़रूरत होती है, जिसको पहले को हम ले एक को बोलते हैं लीडर और दूसरे को बोलते हैं फॉलोअर। ठीक है, लीडर और फॉलोअर। तो लीडर क्या होता है, देखो चैन कैसा होता है। एक ही चैन होता है, चैन के दोनों साइड में एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, ये हैंडल लगा होता है ना, ये इस टाइप का एक चैन होता है। ठीक है, इस चैन के इधर एक हैंडल होता है, एक इधर हैंडल होता है। ठीक है, ये वाला मान लो ये एंड कितना है, 0 है। क्या ये 0 है? और ये कोई 20 मीटर का हो तो ये 20 मीटर होगा। ठीक है, तो जब हम सर्वे करेंगे, जब सर्वे स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टेशन चाहिए। तो कोई फिक्स स्टेशन से स्टार्ट करें, मान लो ये स्टेशन ए है और ये वाला स्टेशन बी है। ठीक है, अब ए और बी का बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसको हमको मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये मेजर करेंगे। तो सर्वे कर रहे हैं हम लोग, चैन सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें दो लोगों की जरूरत होगा। तो एक होगा लीडर, दूसरा होगा फॉलोअर। ठीक है, अब वो लीडर कौन होगा, फॉलोअर क्या होगा? देखो, लीडर कौन होता है, जो चैन को लेकर के आगे वाले हिस्से को लेकर के मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, लीडर। और जो चैन को पीछे वाला हिस्सा है, जो एंड वाला है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और आपका ये रियर डायरेक्शन है। जो रियर डायरेक्शन के तरफ रहता है, जो पीछे वाले हिस्से को पकड़ के जो लोग मूव करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉलोअर। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो देखता हूँ। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो लीडर क्या होता है। लीडर क्या है, अ चेयरमैन एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चैन हु ड्रैग द चैन फॉरवर्ड इज नोन एज लीडर। मतलब क्या है, जो आगे की तरफ चैन लेकर के जा रहा है उसको क्या बोला है हम लोगों ने, लीडर बोला। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट होते हैं जो लीडर के पास क्या होता है। लीडर के पास क्या होगा, एक तो चैन होगा जो चैन लेकर के मूव करेगा, चैन के साथ में उसके पास एक रनिंग रॉड होगा, रनिंग रॉड भी उसी के पास होगा, और एरो होगा। रनिंग रॉड पता है ना, रनिंग रॉड है जो हमें लाइन को सीधा करने के लिए, रॉड जो रॉड की जरूरत होती है, अगर लाइन को अलाइनमेंट करना है जो एक ही लाइन में अगर हो तो उसको सही करने के लिए रनिंग रॉड की जरूरत होती है। ठीक, और एरो भी होता है उसके पास। और उस एरो को क्या करता है वो, आगे देखो, आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद रनिंग रॉड होगा, एरो होगा, और एरो को फिक्स करते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्या है, टू फिक्स एरो ऑन द ग्राउंड एट द एंड ऑफ एवरी चैन। ठीक है, और टू ऑबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोअर, जो पीछे फॉलोअर है वो उसके इंस्ट्रक्शन को लीडर फॉलो करेगा। कैसे, अगर वो रनिंग कर रहा है तो बोलेगा थोड़ा लेफ्ट जाओ या राइट जाओ या आगे जाओ या थोड़ा पीछे जाओ। ठीक है, इस टाइप का। और फॉलोअर क्या होता है, अ चैनमैन एट द रियर एंड ऑफ द चैन हु होल्ड द चैन 0 एंड ऑफ द चैन एट द स्टेशन इज नोन एज फॉलोअर। ठीक है, क्या बोला इसने, जो 0 एंड को पकड़ के पीछे की तरफ रहता है उसको हम लोगों ने फॉलोअर बोला। ये क्या होता है, टू डायरेक्ट द लीडर फॉर एट द टाइम ऑफ रनिंग, जो रनिंग के टाइम पे लीडर को डायरेक्ट करता है, मतलब थोड़ा लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। तो इसका मतलब ये क्या है, जो लीडर है वो फॉलोअर को डायरेक्शन को मानता है। ठीक है, टू कैरी द रियर हैंडल ऑफ द चैन, वही जो चैन को पीछे वाले हिस्से को पकड़ के जाता है। तीसरा है क्या है, टू पिक अप द एरो इंसर्टेड बाय द लीडर, जो लीडर जो चैनिंग कर रहा था आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, और जितना जितना चैन खत्म हो जा रहा था वहाँ पे वो एरो लगाता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। तो लीडर बढ़ एरो को लगा के जा रहा था और फॉलोअर पीछे से उस एरो को कलेक्ट करते हुए जा रहा, वही है टू पिक अप द एरो इंसर्टेड बाय द लीडर। ठीक है, तो ये कुछ था जो लीडर किसको बोलते, फॉलोअर के किसको बोलते। तो देखो एक क्या होता है, जब हम लोग चैनिंग करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो चैन बंधा हुआ तो खोलना कैसा होता है, जो उसके दोनों हैंडल को पकड़ के दोनों हाथ से, एक इस साइड से दूसरा, एक दूसरा बंदा खींचे इधर से, एक दूसरा बंदा पकड़ के दोनों हाथों से खींचो तो चैन खुल जाएगा। और वैसे ही अगर हमें फोल्ड करना है तो चैन का जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ से आधा करके फोल्ड कर लो, और पीछे साइड से फोल्ड करते हुए, मतलब हैंडल को छोड़ दो, जो बचा हुआ है ना उसको फोल्ड, ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए उसको बांध देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ चैनिंग ऑन लेवल ग्राउंड। देखो हम हमें चैनिंग करना है,
चैनिंग करना है, इसका मतलब क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। चैनिंग करना मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालोगे तो ग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो ग्राउंड हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है लेवल ग्राउंड, कौन सा होता है, एक लेवल ग्राउंड होता है और दूसरा होता है और जो लेवल नहीं होगा स्लोप ग्राउंड होगा, सिंपल सा बात, स्लोपिंग ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड हमारा दो टाइप का, एक लेवल ग्राउंड होगा तब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, और एक स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मतलब चैनिंग करना है, चैनिंग मतलब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखो जो लेवल ग्राउंड है उसमें तो दिक्कत नहीं आती है, जनरली लेवल ग्राउंड है मतलब लेवल ग्राउंड उसको बोलेंगे जिसमें जो स्लोप होगा ना, स्लोप जो थीटा, इतना नहीं बन रहा है, एक सेकेंड, जो थीटा की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 3 डिग्री अगर है तो हमारा ग्राउंड कैसा हो जाएगा, हमारा जो ग्राउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोपिंग ग्राउंड, और उसको बोलेंगे हम लोग लेवल ग्राउंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेवल ग्राउंड, ठीक है। देखो क्या होता है, मेथड ऑफ चॉप लेवल ग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें कैसे चैनिंग करेंगे हम लोग, कैसे लेवलिंग करेंगे, चैनिंग करेंगे, मान लो ये एक स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ठीक, और ये स्टेशन आपका बी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना क्या, लीडर एंड फॉलोअर, ठीक है, तो दो टाइप का हमारा पास दो एक दो स्टेशन है जो कि ए और बी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी को, ये जो दो स्टेशन है इसको रैंकिंग करेंगे, मतलब ये एक लाइन में है कि नहीं है, उसको जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो रैंकिंग रॉड की हेल्प से इसको हम लोग मान लो ये सीधा कर लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है, ये था ये स्टेशन। अब हमें मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करेंगे तो कैसे होगा, ये मान लो इस स्टेशन पे, इस पॉइंट पे उस बंदे ने रखा, यहाँ पे क्या है, फॉलोअर है, फॉलोअर है, उसके पास कौन सा पॉइंट होगा, जीरो वाला, कौन सा पॉइंट होगा, जीरो वाला, ठीक है, और चैन लेके मूव कर रहा है, मूव कर रहा, मान लो ये पहला चैन आया, ठीक है, ये पहला एरो वाला लगा दिया, ये यहाँ पे कौन होगा बंदा, लीडर, ये मान लो ये 20 मीटर का हो गया होगा, 20 मीटर का चैन है तो 20 मीटर हो गया, ठीक है। फिर आगे मूव करते हुए आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, एरो, ये क्या है, एरो है, ये भी क्या है, ये भी एरो है, ठीक है। तो ये लीडर उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये फॉलोअर, ये यहाँ पे आएगा, तो फॉलोअर आगे बढ़ता जाएगा, लीडर भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये 20 मीटर हो गया, फिर आगे जाएगा ये लीडर आपका, ये यहाँ पे जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या कर देगा, एरो है उसके पास, लीडर के पास, तो ये एरो इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे एरो इंसर्ट कर देगा कौन, लीडर एरो इंसर्ट कर देगा, और यहाँ पे कौन रहेगा, फॉलोअर, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीडर है ना, ये यहाँ पे एरो इंसर्ट करते जा रहे, तो मान लो लीडर के पास कितना था एरो, लीडर के पास क्या क्या था, मान लो 10 एरो था उसके पास, कितना था, 10 एरो था, और उसके पास चैन था और रनिंग रोड था, ठीक है। तो क्या किया, लीडर है ना, यहाँ पे एक एरो लगा दिया, फिर बढ़ता गया ये लीडर, एरो इंसर्ट करता गया, जहाँ जहाँ चैन 20 20 मीटर का होता गया, लीडर वहाँ पे एरो लगाता गया, और फॉलोअर क्या करेगा, इस जो ये एरो लगा हुआ है ना उसको निकाल लेगा, मान लो ये कितने लीडर के पास, ये भी एरो लगाया इसने, यह भी एरो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा के एरो छोड़ दिया, ठीक है, ये 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया। अब 1 2 3 4 5, तो कितने, 5 एरो लीडर ने लगा दिया, ठीक है। तो ये जितने भी लीडर ने एरो लगाया है, ये एरो कौन उठाएगा, जो पीछे से आ रहा है, पीछे से कौन बंदा आ रहा है, फॉलोअर आ रहा है, तो फॉलोअर इन सारों एरो को कलेक्ट करता गया, ठीक है। अब लास्ट में ये यहाँ से मान लो यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करता था, ये वाला जो जीरो वाला जो एंड है वो किसके पास रहेगा, फॉलोअर के पास, और आगे जो है वो लीडर है, ठीक है, जो रीडिंग को नोट करेगा, मान लो ये आ गया 17 17 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कैसे मेजर हो जाएगा, जो फॉलोअर के पास एरो बचा था ना, तो एरो काउंट कर लेगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 एरो होगा, तो फॉलोअर के पास कितना, 5 एरो होगा, तो 5 एरो इंटू 20, तो
पांच इंटू 20 प्लस ये 17, ठीक है? नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो, देखो पांच एरो आ गया उसके पास, पांच एरो हो गया, और एक कितना 20 मीटर का है, प्लस 17 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 117 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेवल ग्राउंड के अंदर चेनिंग कर लेंगे, ठीक है? तो समझ में आया क्या कह रहा था, लीडर और फॉलोअर समझ में आना चाहिए। लीडर का काम क्या होता है, जो लीडर आगे मूव करेगा उसके पास एरो होगा, आगे जाएगा, चेन जहाँ खत्म होगा वहां पर वो एरो इंसर्ट कर देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर वो एरो इंसर्ट कर देगा, जो पीछे से फॉलोअर आ रहा है उस एरो को कलेक्ट करते जाएगा। जब लास्ट जो सेक्शन बचेगा, जरूरी नहीं है जो 20 मीटर का चेन से वो मेजर कर रहा है वो 20 मीटर का ही हो, मान लो 15 मीटर का हुआ तो 15 मीटर लीडर ने मेजर कर लिया, और लास्ट में जितना भी एरो है उससे और जितना चेन की लेंथ उससे मल्टीप्लाई कर लिया। मान लो पांच एरो फॉलोअर के पास था तो 5 इंटू चेन कितना 20 मीटर का था, 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा उसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेजर करने का तरीका कब था, जब हमारा ग्राउंड कौन सा लेवल है, ठीक है? लेवल है तब तो हमें दिक्कत नहीं होती है, अगर स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इसको कब हम लेवल ग्राउंड बोलेंगे, जब हमारा जो स्लोप का एंगल होगा ना वो थीटा 3 डिग्री से अगर कम है या बराबर है तो हम उसको बोलेंगे लेवल ग्राउंड, ठीक है? उससे ज्यादा अगर होगा तो स्लोपिंग ग्राउंड बोलेंगे। तो अब अगर स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर स्लोपिंग ग्राउंड है, कब स्लोपिंग ग्राउंड होगा, क्या बोला हमने, स्लोपिंग ग्राउंड कब होगा, जब आपका थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 डिग्री हो, ठीक है? अब स्लोपिंग ग्राउंड कब, अगर स्लोपिंग ग्राउंड है तो मेजर कैसे करोगे, तो उसका मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है? अब डायरेक्ट मेथड को हम लोग स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक? तो देखें हम लोग डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में देख लो तीन तरह के इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिससे हम लोग डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, मतलब कुछ और मेजर करेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, इसलिए हमने क्या बोला इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड। इसमें करना क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, लेकिन क्या होता है कि हमें हॉरिजॉन्टल जो चाहिए वो नहीं निकाल रहा है, कुछ और निकाल करके उससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने बोला इसको इनडायरेक्ट मेथड। क्या है, बाय मेजरिंग स्लोप विथ क्लिनोमीटर। अगला क्या है, बाय अप्लाइंग हाइपोटेनियस अलाउंस। और एक और होता है डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है? ये तीन मेथड है, इन तीनों मेथड के हेल्प से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक? अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है? डायरेक्ट मेथड या स्टेपिंग मेथड, ठीक? अब इसमें हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो ये जो स्लोप होगा ना अनइवन होगा, कहीं बढ़ रहा होगा कहीं घट रहा होगा, देखो जैसे ये स्लोप है ना ये बढ़ता जा रहा है, फिर ये कम हो गया, फिर ये बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, ये बढ़ रहा है, फिर ये देखो स्लोप कम हो गया, फिर ये बढ़ गया, मतलब स्लोप ये फिक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, डायरेक्ट या तो स्टीप होगा फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब इस मेथड को करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि जब हम इसमें चैनिंग स्टार्ट करेंगे ना, अप हिल की तरफ से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक करेंगे, अप हिल से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे डाउन हिल की तरफ, अप हिल से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, डाउन हिल की तरफ। अप हिल मतलब ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, अप हिल होगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, डाउन हिल होगा। मतलब स्टार्टिंग हम चैनिंग हमेशा इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से करेंगे ना चैनिंग स्टार्टिंग, तो चैन जो इधर जो फॉलोअर पकड़ेगा ना चैन, उसको टेंशन का मतलब उसको है ना फोर्स कम लगाना पड़ेगा पकड़ने के लिए, मेहनत कम लगेगी। और इधर से अगर उल्टा करोगे ना तो बहुत ज़्यादा जो इधर पकड़ेगा ना चैन उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा चैन को पकड़ने के लिए, ठीक है? फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इसलिए हम जब भी चैन को अगर मेजर कर रहे हैं चैन से, तो जो अप हिल की तरफ से स्टार्ट करेंगे और डाउन हिल की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, अप हिल, ठीक? अब इसमें कैसे करेंगे, तो ये मान लो ये क्या है, हमारा एक रेंजिंग रोड है, जो कि ये मान लो ये रेंजिंग रोड होगा, ठीक है? एक ये है, अब ये बंदा यहाँ पे पकड़ेगा चैन यहाँ पे, और ये स्ट्रेट ऐसे खींच देगा, ठीक है? अब स्ट्रेट ऐसे पकड़ के खींच लिया, ये यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉलोअर होगा, ये कौन होगा, लीडर होगा, ठीक है? ये ले लिया, अब ये नीचे लाना है, ये ग्राउंड है नीचे, ये ग्राउंड से आप कुछ हाइट ऊपर में हो, ठीक है? तो ये प्लम्ब बॉब होता है, प्लम्ब बॉब, एक प्लम्ब बॉब वहां डालो और प्लम्ब बॉब के हेल्प से ये पॉइंट को ट्रांसफर करो ग्राउंड में नीचे, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है?
ये यहाँ पे एरो लगा दो, ये क्या हो गया आपका, एरो लगा दो। अब एरो लगा दिया, अब यहाँ से लेकिन यहाँ तक डिस्टेंस मेजर किया उसको हमने क्या बोला L1। ठीक, अब नेक्स्ट ये वाला मेजर करना है, तो ये वाले लाइन को पकड़ के चेन को ऐसा सीधा करो और यहाँ पे वर्टिकल एक प्लम्ब अप डालो, यहाँ प्लम्ब अप डालो, प्लम्ब अप डालने के बाद ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे हमने ये एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोला हमने L2। ठीक, इसी तरह से इसको ऐसा पकड़ के खींचा और ये डाल दिया, इसको क्या बोला हमने L3। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से इसको हमने यहाँ से एक ऐसा किया, ये होगा L4 और ये हो जाएगा L5, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे L6 और यहाँ पे जाएगा L7। ठीक है, तो अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, इसको क्या बोला कैपिटल डी। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें, क्या हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 L5 L6 प्लस L7। ठीक है, इस तरह से हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये तो मेथड था किसमें कि डायरेक्ट अगर हमें करना है मेजरमेंट तो डायरेक्ट इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको डायरेक्ट क्यों बोला क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं। देखते हो L1 मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये L2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डायरेक्ट हम लोग मेजर अगर कर नहीं सकते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका मेजरमेंट कर लिया। ठीक, तो इसको स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं। अब अगला है, अब इनडायरेक्ट मेथड, ये है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इनडायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जामों में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं ठीक ठाक। ठीक है, तो पहला है क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर क्लिनोमीटर से मेजर कर सकते, क्लिनोमीटर से कैसे मेजर करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है ये इस टाइप का ग्राउंड है। ठीक, अब ये कुछ ना कुछ एंगल से है, अब हमें मेजरमेंट क्या करना है बाबू, देखो ग्राउंड है हमारा ये वाला, देखो ये हमारे पास, अब इसमें क्या हो जाए, तो थीटा है ना यूनिफॉर्मली इसमें स्लोप रहता है, देखो जैसे ये जा रहा है ना लगभग एक ही स्लोप में बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, लगभग नियरली इसका यूनिफॉर्मिटी सेम रहता है, तब हम उस जगह पे क्लिनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, अब ये इनडायरेक्ट मेथड है मतलब हमें सीधी सी मालूम है कि हमें निकालना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पता रहेगा उसकी वजह से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना है, क्लिनोमीटर एक डिवाइस होता है या कुछ नहीं, प्रोटेक्टर देखो चांदा उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमें एंगल निकाल लेते हैं, एंगल अगर इसका स्लोप हमें पता चल जाए, मान लो हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये लेंथ निकालना है हमें, क्या है अंदर ये, ठीक है हमें निकालना है यहां से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना डी, क्या निकालना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना डी, तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, ये कट रहा होगा इधर शायद, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, देखो ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब हमें अगर मान लो इसका स्लोप पता हो, इसका स्लोप पता हो और इसका लेंथ अगर हमें एल पता हो, और मान लो ये हमने एक स्लोपिंग लेंथ माना, हमने स्लोपिंग लेंथ निकाला कितना एल, ठीक ये जो L है ये हमारा स्लोपिंग लेंथ है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन हमने स्लोपिंग लेंथ L निकाला। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखेंगे, मतलब ये क्लिनोमीटर रखेंगे, क्लिनोमीटर रखने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमें थीटा मिल जाएगा। अब क्लिनोमीटर होता है कैसा, देखो ऐसा ये एक प्रोटेक्टर है, ठीक है ये जो चांदा आपने देखा ना वो है,
इसका सेंटर में है देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिखा है, ठीक है, ये जीरो है। अब जैसे इसको हम मूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15, ये 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे करके क्या है, डिग्री में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मूव होगा, देखो जैसे ये हमें हाइट नापना था, पहले हाइट नापना है ना, तो ये एक, ये किलोमीटर ऐसा रहता है कि ये एक प्रोटेक्टर लगा हुआ रहता है और इसके बीच में एक पाइप लगा रहता है ना, टेबुलर पाइप लगा रहता है, ट्यूबुलर पाइप। यहाँ से हम देखेंगे इससे जो पॉइंट चाहिए हमें, देखो जैसे ये था ना, अब हमें इस जगह का लोकेशन चाहिए तो एंगल निकालना हमें, तो एंगल निकालने के लिए एक यहाँ पे रख करके हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये इस रेफरेंस में क्या निकल जाएगा, थीटा, ठीक है, ये थीटा ही चाहिए हमें, लेंथ पता है तो ये इस टाइप का बन जाएगा, मतलब ये ऐसा है, देखो ये इस टाइप का बन जाएगा, ये एल तुम्हें पता था और ये हमने थीटा निकाल लिया, ठीक है, तो ये डी निकालना था, ठीक। ये थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, किलोमीटर का हेल्प करेंगे, तो ये वही है, ये ऐसा जा रहा है, तो देखो तो यहाँ से देखेंगे, अब ये क्या वाला, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये 0 डिग्री है। अब ये है एक यहाँ पे एक रॉड स्ट्रिंग है, मतलब एक धागा है, धागे के अंदर एक कुछ हैवी मटेरियल लगाया हुआ है, मतलब भारी सा एक मटेरियल लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ, ग्रेविटी के हेल्प से वो डायरेक्ट नीचे ही रहेगा, देखो ये नीचे ही रहेगा, बिल्कुल नीचे लटका हुआ रहेगा। अब ये 0 है, 0 से ये कितने एंगल में डेविएट हुआ है, ये थीटा, तो 5, 10, 15, मानो 30 होगा, 30 डिग्री हम ये मेजर कर लेंगे यहाँ पे, जो ये रीडिंग यहाँ पे आ रही है, ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ पे मेजर कर लिया, तो ये रीडिंग हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया थीटा। तो जब हमें थीटा पता चल गया और हमने ओरिजिन इंक्लाइन लेंथ एल ले ली, यही है ना, अगर हमें थीटा पता चल गया, इंक्लाइन लेंथ एल पता चल गया, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना, एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ज्योमेट्री लगा लो, कॉस थीटा से हो जाएगा, देखा कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस बटा हाइपोटेनस, तो डी बटा एल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग किलोमीटर के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इंडायरेक्ट मेथड में कैसे यूज हुआ, कि अगर हमें किलोमीटर के हेल्प से अगर थीटा निकाल ले और स्लोपिंग लेंथ हमें पता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एल कॉस थीटा, ठीक है। अगला मेथड है हाइपोटेनियस अलाउंस। ये हाइपोटेनियस अलाउंस में क्या है, जैसे मान लो स्लोपिंग ग्राउंड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान समझना आप लोग, देखो ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड आपका ये वाला नहीं है, ठीक है बाबू, ग्राउंड आपका ये वाला है, ये आपका अर्थ सरफेस, जो डैश डैश पोर्शन है ना, वो अर्थ सरफेस, और ये मैं बता रहा हूँ कि ओरिजेंटल से ये कितने एंगल में इंक्लाइन है, ये थीटा है, ठीक है। हम मेजर करेंगे कौन सा डिस्टेंस, अब ये तो ग्राउंड है हमारा, तो मेजर यही कर पाएंगे ना, तो मान लो हमने मेजर कौन सा किया डिस्टेंस, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, ए और पॉइंट से बी पॉइंट तक का हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एल, ठीक, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लिया एल, जो एल दिखा रहा हूँ कौन सा है, ये तो एल हमारा कौन सा, स्लोपिंग ग्राउंड है, स्लोपिंग लेंथ, स्लोपिंग लेंथ है ना, लेकिन एक्चुअल लेंथ कौन सा है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला है ना डी, ये ना ओरिजिनल डिस्टेंस, हमें कौन सा, ये निकालना था ना, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये देखो ये बेस है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमेशा ज्यादा ही होगा, तो मेजर अगर हम कर रहे हैं और स्लोपिंग लेंथ अगर हम ये वाला मेजर कर रहे हैं, तो हम तो डिस्टेंस हमें छोटा चाहिए, डिस्टेंस डी हमेशा किसका, जो डी रहेगा वो हमेशा लेस देन एल रहेगा, तो हमें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम चाहिए था, लेकिन हम नाप क्या रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नाप रहे हैं ना, एल अगर लेते हैं तो ज्यादा वैल्यू हो जाती है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, तो हमें कितना, मान लो ये डी तक ओरिजिन ओ रखो और डी तक आर्क लो,
और एक ऐसा आर्क ड्रॉ करो, तो मतलब जो एक्चुअल लेंथ है ये बी डैश हुआ, ए से लेकर के बी डैश ही हुआ, इतनी हुआ ना लेंथ। ये डी है तो ये भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के बी डैश तक कितना हो, डी हो, इतना ही चाहिए। एक्स्ट्रा कौन सा हो रहा है, बी से एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा हो रहा हमारा, बी से बी डैश वाला, ये बी से बी डैश एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये हमें नहीं चाहिए था लेकिन हम ये मेजर कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है हाइपोटेनियस अलाउंस अगर लगाओगे आप, अगर हाइपोटेनियस अलाउंस अगर लगाते हो उससे हम निकालेंगे, मतलब बी और बी डैश के लिए हमें पता चल जाए तो उससे हम टोटल एल में से बी और बी डैश को माइनस कर देंगे। टोटल एल था और एल में से बी और बी डैश को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो उस हिसाब से हम लोग ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी बी डैश निकालने को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस अलाउंस बोलते हैं। बी से बी बी डैश को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस अलाउंस, हाइपोटेनियस अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देना, जो हाइपोटेनियस अलाउंस होता है ना उसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी बी डैश कितना हो जाएगा, एल सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, एल सेक थीटा, कहीं कहीं एल को क्या लिखते हैं, लिंक भी लिखता है, एल की जगह पे क्या लिखेंगे, लिंक, मतलब कितने लिंक है, नंबर ऑफ लिंक। लिंक मतलब चैन होता है, एक चैन में 20 मीटर का चैन है, उसमें जितना लिंक होगा, 30 मीटर के चैन में कितना लिंक होगा, जो लिंक लगा रहता है ना वो लिंक है। ठीक है, तो कहीं कहीं लिखा रहेगा लिंक इनटू सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है हाइपोटेनियस अलाउंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे न्यूमेरिकल है ना खूब सारे बनते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर थीटा के टर्म में निकालते हो तो बी बी डैश इक्वल टू हो जाता है 1.5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू लिंक, ये पहला है और ये दूसरा है। इसी में बता दो मैं, स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला जो है ये, मान लो ये आपका ग्राउंड था, ठीक है, ये एल था, ये थीटा था ना, तो ये मान लो वन है और ये कितना है, वन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन इन एन। ठीक है, वन हॉरिजेंटल और एन वर्टिकल, वन हॉरिजेंटल एन वर्टिकल, तब के केस में क्या होगा, बी बी डैश जो होगा उसकी वैल्यू होती है 50/n² इंटू लिंक। ठीक है, तो ये याद रहेगा तीनों फॉर्मूले। अब इसका डेरिवेशन है, मैं कराना नहीं चाहता हूँ, डेरिवेशन आता नहीं है, तो ये तीसरा है। ठीक है, ठीक, दूसरा कौन सा था, बी बी डैश इक्वल टू होता था लिंक इनटू सेक थीटा माइनस वन, तीसरा होता था 1.5 थीटा स्क्वायर बटा 100 इनटू लिंक। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू किस में रहेगी, डिग्री में रहेगी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला। ठीक है, ये थीटा है ना, ये थीटा की वैल्यू किस में, डिग्री में। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो ये चेनिंग कर रहे हैं हम लोग, चेनिंग कर रहे हैं ना, मतलब मेजरमेंट इसका ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो चेन कहाँ से करेंगे, ये निकाल लिया हमने बी बी डैश तक, ये लिंक होगा मान लो, ये एक 20 मीटर में कितना लिंक होता है मेरे को बताना कमेंट करके, जितना लिंक 20 मीटर में कितना लिंक होगा उसको यहाँ रखो, और थीटा हमें किलोमीटर से पता चल जाएगा, किलोमीटर के हिसाब से हमने थीटा निकाल लिया है, तो और माइनस वन करेंगे तो ये टोटल हमें बी बी डैश मिल जाएगा आंसर, तो कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में मिलेगा। तो हम मेजरमेंट क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक करेंगे ठीक है, क्योंकि ये टोटल रहेगा ना, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे डी तक। तो मेजरमेंट हम कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, लेकिन एरो कहाँ लगाएंगे हम लोग, ये यहाँ पे एरो लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस ना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एरो हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। एरो अगर यहाँ लगाते हम लोग ये बढ़ता जाएगा हमसे, तो मेजरमेंट हम लोग करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो नोट करेंगे यहाँ तक, और एरो हम लगाएंगे बी बी डैश का वैल्यू निकाल के ये यहाँ तक, तो एरो हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे ठीक है, और फिर आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर अगला जो होगा वो यहाँ से जीरो रीडिंग हो जाएगा, आगे जब जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा ना ऐसा, ये यहाँ तक ले लेगा रीडिंग और एरो यहाँ तक लगा देगा, तो इस तरह से हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है। अब है तीसरा मेथड है नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट्स। अब इसमें क्या है देखो, ये इस टाइप का है कुछ ठीक है, एक ये पॉइंट ये हो गया, मान लो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है ठीक है। ये अर्थ सरफेस का प्रोफाइल है, ये इस टाइप का हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है ठीक है। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा देखो, अब ये क्या बोल रहा है, बाय नोइंग डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिफरेंस अगर पता है हमें हाइट का, तब उससे हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो, तभी ना इनडायरेक्ट मेथड है ये, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता निकालना, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है देखो, ये इस टाइप का है, ये बी है, तो ये मान लो ये बी डैश हो गया, बी बी डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, एच वन होगा ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस हमें निकालना है ठीक है। लेकिन हमने मेजर क्या किया, ए से लेकर के बी तक क्या स्लोपिंग लेंथ मेजर किया हमने, एल ठीक है, हमने एल वन स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर किया, ए से बी तक स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर किया। अब क्या किया हमने, ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है यहाँ से, ये क्या सी डैश है, इसका हाइट क्या होगा एच टू, और बी से लेकर के सी तक स्लोपिंग लेंथ कितना हमने मेजर किया, एल टू। सिमिलरली सी और डी के बीच में, ये डी है और ये सी है, इसका हाइट हो गया डी डैश ठीक, तो डी से डी डैश तक का हाइट हो गया एच थ्री, इसका स्लोपिंग लेंथ कौन सा, एल थ्री ठीक है। अब ए से बी वन चाहिए हमें, तो ये ट्रेंगल बन रहा है ना, ये ध्यान से देखो, ये इस टाइप का, ये एल वन हो गया, ये बी हो गया, और ये बी वन हो गया ठीक है, ये एच वन है, और हमें ए बी वन चाहिए ठीक है, ये डी वन हो गया हमारा, ए से बी वन ठीक है। तो ए बी वन कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सिंपल सा, कितना हो जाएगा, एल वन स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर ठीक है। ऐसे ही बी सी डैश और सी डी डैश निकल जाएगा, तो ऐसे टोटल निकाल लो यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी डैश प्लस बी डैश बी सी डैश प्लस सी डी डैश ठीक है। ए बी मतलब ये वाला, ये हो जाएगा एल वन स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, एल वन स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर प्लस बी से सी डैश, बी से सी डैश एल टू स्क्वायर माइनस एच टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल टू स्क्वायर माइनस एच टू स्क्वायर प्लस ये वाला एल थ्री स्क्वायर माइनस एच थ्री स्क्वायर, एल थ्री स्क्वायर माइनस एच थ्री स्क्वायर ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा डिस्टेंस को जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे ठीक है। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो थैंक यू, तो आप से पूछ सकते हो बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।